आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। A structure of a neuron is given in the diagram below. Select the incorrect statement with reference to the same. यहाँ पे बोला गया है कि जो structure given है neuron का, उस हिसाब से कौन सा statement यहाँ पे incorrect है वो हमें बताना है। तो ये जो neuron है उसमें क्या क्या given है, चलिए देखते हैं। तो first statement में बोला गया है, typical neuron comprises of only three parts, A, C and E. ये जो है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं। और साथ ही जो बी है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा साइटोप्लाज्म, जो कि मेन चीज होता है न्यूरॉन का। और वहीं अगर हम लोग सी का बात करते हैं तो सी होता है एक्सॉन हेड, यहाँ पे हम लोग डेंड्राइट को भी कंसिडर कर सकते हैं या फिर एक्सॉन आर्म्स हिसाब से भी कंसिडर कर सकते हैं। सेंटर होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे बेसिकली बोला गया है डेंड्राइट, एक्सॉन हेड और ई, जो कि यहाँ पे सेंट्रल पार्ट ऑफ एक्सॉन है, वो होता है जहां से मैसेज जो है या फिर सिग्नल्स कैरी होते हैं। और ये तीनों ही टिपिकल न्यूरॉन को बनाते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, बी रिप्रेजेंट ग्रैन्यूलर बॉडीज और निसल्स ग्रैन्यूल फाउंड इन द साइटोन ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन या फिर साइटोप्लाज्म तो हम लोग बात कर ही चुके हैं, और उसके साथ जो यहाँ पे डॉटेड कंडीशन है ये होता है निसल्स ग्रैन्यूल। और निसल्स ग्रैन्यूल क्या करता है, तो ये बेसिकली चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है, डी आर लोकेटेड ऑन ई विच सिक्रीट्स एफ। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो डी है, डी क्या है, तो डी बेसिकली ऐसे सेल्स हैं जिसको हम लोग स्क्वान सेल्स के नाम से जानते हैं, और स्क्वान सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो एफ होता है, यानी जिसको हम लोग माइलिन शीट के नाम से जानते हैं। और ये माइलिन शीट जो होता है वो क्या करता है, एक इंसुलेटर कवरिंग प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो है वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। नेक्स्ट आता है कि डी पोजेस बोथ डेंड्राइट्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर। लेकिन अगर बात करें तो एच जो है ये होता है हमारा एक्सॉन टर्मिनल, और एक्सॉन टर्मिनल में क्या होता है कि जो सिग्नल्स होते हैं वो पास ऑन होते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर हेल्प करते हैं एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। और न्यूरोट्रांसमीटर बहुत टाइप के होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा यूज होता है एसिटाइल कोए। और इसी हिसाब से अगर देखा जाता है तो जो इनकरेक्ट है वो हो जाता है हमारा फोर्थ ऑप्शन, जहां पे एच को बोला गया है डेंड्राइट, और इसीलिए हम लोग फोर्थ ऑप्शन को ही टिक कर लेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।